सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, गरीबों के हित के लिए सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी में लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग सदई लाल प्रजापति अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ कई सालों से झोंपड़े में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। बुजुर्ग दंपति के यहाँ बेटा नहीं होने के कारण बुढ़ापे का यह सफर काटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवराज सरकार में सबसे करीबी और कदावर मंत्री रहे रामपाल सिंह राजपूत के सिलवानी विधानसभा में गरीबी से बेहाल बुजुर्ग दंपति कई सालों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया है। साथ ही बुजुर्ग दंपति के घर बनाया गया शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बुजुर्ग सदई लाल की माने तो 1971 में होमगार्ड सैनिक रहने के दौरान बांग्लादेश की लड़ाई के लिए उनका चयन हुआ था, जिसके बाद उन्हें 1972 में पुरस्कृत भी किया गया था। गरीबी की मार झेल रहे बुजुर्ग अपनी पत्नी की बीमारी से भी परेशान हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को मदद की गुहार लगा रहे हैं। बहुत धन्यवाद ऐसे जनहित के मुद्दे लाने के लिए। हाँ, ये बात तो सत्य है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, मात्र मतदान तक ही सीमित होती है, पर आगे नहीं देखती कि गरीबों का हाल कितनी बदतर स्थिति में। एक बुजुर्ग प्रजापति जी हैं जो उनका बिल्कुल गरीबी से बेहाल है, टूटी हुई झोपड़ी में निवासरत हैं, और अभी तक मकान मिला नहीं है, और जो पानी हम चढ़ाते हैं हमारे जो झोपड़िया पे तो हवा में फट जाती है, और पानी में भीगते रहते हैं हम लोग, इधर उधर सरकते रहते हैं, और फिर दोबारा पत्ते ढकोरे वगैरह डालते हैं उसमें भी नहीं बच पाते, और इतनी दीवारें गीली हो गई, कभी भी मकान हमारा धराशायी हो सकता है, तो ख़त्म भी हो सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, और आखिरी टाइम में चल लिया है चार साल से बराबर कागज नगर पंचायत में दाखिल कर रहे हैं, तो मकान बड़े बड़े आदमियों को दे देते हैं, हम लोगों को देते ही नहीं हैं। बस ये हालत में हम लोग पड़े हुए हैं। आपको कुछ लड़ाई में चयन हुआ था, उस टाइम पे क्या थे आप? सैनिक थे, होमगार्ड में थे हम, होमगार्ड से यहाँ चयन हुआ था 71 में, तो 72 में पासिंग आउट परेड जो 26 जनवरी की परेड हुई थी, उस परेड में हम लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार 2-4 छात्रों को दे के 71 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के सुपरद कर दिया था कि ये बांट देना तुम्हारे ऑफिस से। नेता मंत्री आते नहीं आते? नेता मंत्री यहाँ कोई नहीं आता, जो चुनाव के टाइम पे आते हैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं वोट दे देना भैया, फिर उसके बाद में जो गए जीत के तो अभी तक आते नहीं है लौट के कोई भी। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।